खबर उज्जैन से। वाल्मीकि नगर में आधा दर्जन कार को बनाया बदमाशों ने निशाना। माधवनगर थाना क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी के पास वाल्मीकि कॉलोनी और जाल स्कूल के पास खड़ी करीब आधा दर्जन कार को निशाना। आधी रात करीब 3:30 बजे से बदमाशों ने उत्पात मचाना शुरू किया। घर तथा मैदान के बाहर खड़ी कारों के कांच फोड़ना शुरू किया। तोड़फोड़ करने वाले हाथों में डंडे लेकर उत्पात मचाते रहे। घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष ने थाना पहुंच की। मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिए जाने की खबर सामने आई। फुटेज में बदमाश हाथ में लाठी लेकर दौड़ते नजर आ रहे थे। साथ ही एक प्रकार से दहशत फैलाने का प्रयास फिर से उज्जैन शहर में हो रहा। फिर से एक बड़ी गैंग शहर में सक्रिय दिख रही, जिसमें एक मत होकर 15 से 20 युवक बाइक पर हॉर्न बजाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से दौड़ते हुए निकलते हैं। आमजन में भय का माहौल उत्पन्न। कभी आधी रात को घर के बाहर खड़ी कारों को निशाना बनाया जाता। दर्जनों की संख्या में खड़े होकर केक काटकर जन्मदिन का सेलिब्रेशन करना भी लगातार जारी है। ये भी शालीनता ना होकर लोग दिखावा बना चुके हैं, जो कि अब हंसी का पात्र बन चुका। आधी रात में तोड़फोड़ के मामले थाने पर शिकायतकर्ता का कहना, फुटेज में जो चार लोग नजर आ रहे हैं इनमें से दो वाल्मीकि कॉलोनी और दो नागझीरी तरफ के बताए जा रहे। पुलिस को चाहिए कि पकड़ाए बदमाशों से सख्ती से पूछताछ हो, क्योंकि इन बदमाशों के पीछे अन्य कोई हाथ भी हो सकता है, जिनकी शह पर शहर में दहशत फैलाने का काम हो रहा। उज्जैन पुलिस को ऑपरेशन शुद्ध चलाने की फिर से आवश्यकता है, जिसके तहत नशे की जड़ पर प्रहार किया जा रहा, क्योंकि बीती रात यह घटना जो सामने आई यह भी निश्चित तौर पर नशे की जद में गिरफ्त होकर की जाना नजर आ रहा है। शहर की युवा पीढ़ी धीरे धीरे बदमाशों के संपर्क में आती है और नशाखोरी में कब लिप्त हो जाती है वो खुद भी नहीं समझ पाते। इस प्रकार व्यापक कड़ा प्रहार किया जाना अब आवश्यक बन चुका है। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला।